हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे एंड मेरे व्लॉग्स को एंजॉय कर रहे होंगे। सो मैं अभी बना रही हूँ बैंगन का भरता। तो आज मैं बैंगन का भरता गैस पर भूनकर नहीं बनाऊंगी, इसको छील के बनाऊंगी। छील के भी बहुत ही टेस्टी बनता है। और इसमें आज मैंने डाल दिया था कड़ी पत्ता। तो यहाँ पर मैं बैंगन छील रही थी और साथ ही साथ फिर मैं यहाँ पर सब्ज़ी बनाने आ गई। तो सब्ज़ी में बनाते समय मैंने क्या क्या डाला था, पहले दो प्याज अच्छे से लाल कर लिए, हरी मिर्च, कड़ी पत्ता, जीरा। जब अच्छे से लाल हो गए उसके बाद कटे हुए बैंगन को पानी से निकाल कर मैंने अच्छे से इसको भाप में पकने दिया। जैसा कि मैंने कल भी आपको बताया था कि सब्जियों को पहले भाप में पकने दें, उसके बाद ही इसमें आप मसाला डालें, क्योंकि जो सब्जी का पानी छोड़ता है और उसमें हम मसाला डालकर सब्जी पकाते हैं तो उससे हमारी सब्जी बहुत अच्छी पकती है। तो यहाँ मैंने अच्छे से चला दिया और आप देखना थोड़ी देर में ये कैसे गल जाएंगे। बैंगन तो वैसे ही बहुत जल्दी गल जाते हैं, तो बने रहिए व्लॉग के एंड तक। गर्मी है ना कि आप लोग कहोगे क्या बनी हुई है ये, गर्मी है, मैं क्या करूँ फेस पे। देखो अब ये देखो, देखो दर्द लाया है, लिपस्टिक, थोड़ा लिपस्टिक लगाते हैं। एक्चुअली ये लिप बम है, ये ना ये अनशंट लेके आता है, ये और कुछ नहीं आता इसे। इस दर्श के स्कूल की हो गई है छुट्टियां और देवांश बेचारा उसकी नहीं हुई है छुट्टी, उसकी जून एंड में होगी। तो अभी मैं बना रही थी किचन में लंच, इसकी वजह से मेरे फेस पे इतना पसीना आया हुआ है। तो फेस इग्नोर करिए, कौन इस गर्मी में मेकअप करके खाना बनाता है। तो चलिए करते हैं आगे ब्लॉग को कंटिन्यू, बने रहिए। उसके बाद से सब्जी बनकर हो गई थी रेडी, दाल चावल भी बन के रेडी हो गए थे। तो मैंने दाल जब छोंकने गई ना तो एकदम से जीरा का जो होता है वो मेरे सिर पे आकर लग गया और फिर क्या हो गया गाइस, उंगली कट गई देवांश की। ये नहीं आएगा। सो गाइस, मैं निकल गई हूँ बाहर, ये बाल और यहाँ पर, अच्छा नीचे चला गया दर्श, नीचे खेलने चला गया है। और देवांश क्या हुआ? यहाँ से 10 के नीचे 50 में जैसे बुलंग डालो। ओए हाँ यार, कहाँ पे? मुंबई गए। उसने शौर्य को बता दिया होगा, शौर्य को बता, दर्श को नीचे 50 रुपए मिले हैं, डाल दो सुबह। क्या बात है, उसने शौर्य को बता दिया होगा। फिर शौर्य ने क्या कहा? नकली है। अच्छा शौर्य क्या कहता? कौन जाएगा नीचे? मैं। जाओ नीचे, फिर जा, नीचे नहीं जाना, गर्मी है। पहले बैग उठा के अपना बेड पे रखो, बैग उठा के बेड पे रखो, नीचे बेड पे रखो। कहाँ जाना है? नीचे खेलने, इतनी गर्मी में है, पानी पी के जाना, ठीक है? हा? पानी पी के जाना, ठीक है, ठीक है? पूरे एक हफ्ते का खेल खेल दिया था, पूरे एक हफ्ते का खेल खेलने गया था, है? पूरे एक हफ्ते का खेल खेल, अभी इतनी तेज पैर फिसला है इसका, नीचे जाता है ये, कुछ करवाया नहीं है, मुझे पता है। अभी बज रही है रात के 8, ये तो हर किसी के घर के कुकर का हाल होता होगा, तो प्लीज वो साफ हो जाता है। हाँ जी, तो रात के 8 बज रहे हैं और अभी जस्ट मैंने चाय पी है, और गर्मी है तो क्या है, चाय तो छोड़ेंगे नहीं ना, जो आदत है, जो दो बार पीते थे उसको एक बार पी रहे हैं। और अभी मैं दूध बॉईल कर रही हूँ और आज बाहर से खाना आ रहा है, कुछ लोग बाहर से खाएंगे कुछ लोग घर से, तो इतनी गर्मी है मैं तो बाहर का नहीं खाऊंगी। और मैं कह रही थी कि ना, क्या कह रही थी कि ना, मेरे नोन में ना एक मेरे एक महाशय जी हैं जो कि बहुत ज्यादा उड़ रहे हैं, तो प्लीज महाशय जी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, उड़िए मत, जो उड़ता है ना गिर जाता है, तो उड़िए मत, बस इतना ही कहूंगी इशारा। वैसे आप बहुत ज्यादा समझदार हैं, बहुत ज्यादा समझदार हैं, तो आपको मेरा ये इशारा ही काफी होगा। महाशय जी समझदार हैं, माना कि आप थोड़ा इंटरनेट की दुनिया में कम हैं, तो अब आप घुसिए इंटरनेट की दुनिया में, क्योंकि आपका शायद चिट्ठा इंटरनेट की दुनिया में ही खुलेगा, तो बने रहिएगा ब्लॉग के एंड तक। मेरा बहुत मन कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले शाही पनीर खाने का, तो मैंने मामू को बोला मामू शाही पनीर ला दो, मामू ने ला दिए शाही पनीर, मामू ला दिए ना, शाही पनीर लिया, क्या खाया?
था पनीर और नान टेस्टी था। अरे वाह, और खाओगे? नहीं खाओगे? चलो जाओ किचन में रख दो। ओ ऐसे नहीं करते, हैंड वॉश कर लो जाओ। अभी आपको कहा था ना बाहर से खाना आ रहा है और मैं नहीं खा रही, क्या ऐसा हो सकता है? मेरे से नहीं रहा गया। ये देखिए इसमें दाल पड़ी थी मखनी दाल और घर के राइस मैंने इसमें डाल लिए और यमी सा एकदम इसको मैं बना लूंगी। और इसमें डालूंगी थोड़े से प्याज और जो चटनी आई थी वो, फिर तो वाह लजीज बनेगा लजीज। अब आ रहा है, मारो मारो मार देवांश मारो। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा तकिया पे पिल्लो पे कैसे? हाँ अच्छा अच्छा दिखाओ। कहाँ मार दिया? अब गया ये, अब गया। दिखा 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 मार दिया। दिखा दिखा ओके आप पिटेगा ये। चलिए हाँ जी, तो काफी दिन हो गए हैं आप लोगों से फिर से बात किए हुए, तो चलिए थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। YouTube के बारे में आज हम बात करेंगे कि काफी लोग पूछ रहे हैं कि YouTube पे आप वीडियो कहाँ से एडिट करते हो। तो मैं बता दूं कि YouTube पे वीडियो मैं InShot ऐप से एडिट करती हूँ। बहुत ही इजी ऐप है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। नॉर्मल कैमरा से वीडियो शूट करिए और उस InShot ऐप में जाकर अपने वीडियो को एडिट कर लीजिए, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग ये पूछते हैं कि आपका चैनल मोनेटाइज हुआ कि नहीं हुआ, तो इस पर मैं क्या बोलूं कि गाइस चैनल मोनेटाइज होना बहुत आसान बात नहीं है। वो चंद बहुत लकी लोग हैं जिनका चैनल एक महीने में मोनेटाइज हो जाता है और किसी किसी को सालों साल लग जाते हैं। तो मेरा चैनल अभी मोनेटाइज नहीं हुआ है, बट लाइन में हूँ, बहुत जल्द हो जाएगा। थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है, मेहनत जहाँ करी आपने वहाँ पर आपको फल जरूर मिलेगा। पता है कभी कभी किसी सुबह ऐसे उठकर लगता है कि यार छोड़ो नहीं हो पाएगा यूट्यूब, अब नहीं कर रही यार, इतनी मेहनत करो, वीडियो डालो, व्यूज नहीं आते, आपको जो चाहिए वो नहीं मिलता है। तो मेरा कभी कभी मन करता है यार अब मैं नहीं करूंगी। दो तीन दिनों से फिर से मैं डीमोटिवेट हो रही हूँ और फिर मेरे माइंड में आ रहा है यार नहीं करूंगी नहीं करूंगी। लेकिन अब ऐसी आदत हो गई है ना, जैसे आप लोग जॉब करने जाते हैं तो आप लोगों को पता है ना कि सुबह मुझे उठकर ऑफिस जाना है, तो मुझे एक ऐसी आदत हो चुकी है सुबह से, भले मेरा कुछ भी शूट नहीं हुआ रहता है किसी रीजन से, कभी मतलब आपका जरूरी नहीं है कि हमेशा मतलब शूट हो ही, तो नहीं हुआ रहता तो मुझे लगता है नहीं यार आज मेरा नहीं छूटना चाहिए, मैं करूंगी। सुबह थोड़ी देर के लिए आप डीमोटिवेट होते हैं, लेकिन जब किसी चीज की लत लग जाती है तो फिर मन करता है कि नहीं भाई करो। ये माइंड में तब आता है जब हम किसी किसी जैसे टेक्निकल ये सब यूट्यूबर्स हैं, वो लोग कुछ ऐसी नेगेटिव बातें कर देते हैं ना यूट्यूब के बारे में, कुछ ऐसा ज्ञान जो ज्ञान उन लोगों को भी नहीं पता होता और वो ज्ञान दे देते हैं, जिसको सुनकर हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो यार इन छोटी छोटी चीजों को मत सुनो, अपना जो दिल कर रहा है वही करो। दिल कह रहा है यूट्यूब चलाओ तो चलाओ, दिल कह रहा है नहीं चला रहा तो मत चलाओ। जॉब आप अपनी मर्जी से करते हो, कोई आपको धक्के मार के नहीं भेजता, तो वैसे ही आपका यूट्यूब है। अगर आपका मन कर रहा है तो आप मेहनत करो यूट्यूब पे, अगर मन नहीं कर रहा है तो मत करो। इसमें कोई ऐसा प्रेशर नहीं है, पर इतना बता दूं कि यूट्यूब मुश्किल है। हम दूसरों को देखते हैं और सोचते हैं हलवा है, हलवा नहीं है, हलवा नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो अगर इस मुश्किल घड़ी को अगर आपने पार कर ली और एक अच्छी फैमिली अपनी बना ली यूट्यूब पे, तो बस आपने बहुत बड़ी जंग जीत ली। तो मैं पूरी कोशिश में हूँ कि मैं ये जंग जीतूं, नहीं छोड़ूंगी यूट्यूब, भले कितना भी मन बोले दिमाग बोले कि छोड़ दे नहीं हो पाएगा, नहीं मैं करूंगी, मेरे से हो पाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही है, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। तो ब्लॉग का यहाँ पर करते हो एंड, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। गुड नाइट, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।